आज हम पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी थेरी ब्यूरोक्रेसी थेरी एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जाम्पल समझिए कि एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में सी होते हैं और उनके अंडर डिफरेंट फंक्शनल डिविजन्स के लिए एक एक वाइस प्रेसिडेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड उनके अंडर एक एक मैनेजर या फिर सेवरल मैनेजर्स माइड बी प्रेजेंट डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द टीम्स राइट एंड मैनेजर्स के अंदर फ्यू एम्प्लॉयज विल बी वर्किंग एज अ टीम एंड सो दैट दे कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स राइट तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है वेयर वी वी कैन सी द हायर आर्की फ्रॉम द टॉप टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट तो ये टॉप लेवल है और ये बॉटम लेवल है तो ऐसे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन फ्लो होता है एंड दिस इज द हाइर प्रोसीजर वे वी कैन सी मैक्स वेबर ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था ये आइडिया जो है इन्होंने ही कॉन्सेप्चलाइज किया था अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी होता क्या है विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो ये जो थेरी है दिस इज we can explain this by mainly three words legitimate rigid formalized एक organization which is legitimate which is authoritative लेजिटिमेट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वो ऑथोरिटेटिव होता है जहाँ पे एक बोलते हैं एक काम को करने के लिए या फिर एक प्रोसीजर सेट करते हैं और इसको बाकी सब डिविजन्स को फॉलो करना पड़ता है रिजिड रिजिड इन द सेंस जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है एक एम्प्लॉय और एक मैनेजर को अपना ओपिनियन बताने का मौका या फिर चॉइस कम होता है एंड नेक्स्ट इट इज फॉर्मलाइज्ड फॉर्मलाइज इन देंस इट इज अ फॉर्मल हायरार्कियल थेरी ठीक है तो ये तीन शब्द जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक थेरी ये एक्सप्लेन करते हैं इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ठीक है डिवीजन ऑफ लेबर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इसका मीनिंग ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी थेरी में या फिर ब्यूरोक्रेसी मॉडल में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर्स को ऐसे डिवाइड किया जाता है जैसे कि उनका फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है फॉर एग्जांपल अगर दो तीन एम्प्लॉइज़ वैसे हैं जिनको प्रोडक्शन फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड दे हैव द स्किल्स एंड कैपेसिटी टू पोजिस एंड टू कैरी आउट दैट वर्क ऑफ प्रोडक्शन वेल देन उन लोगों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलाइन किया जाता है ऐसे ही उनके स्किल्स और टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज के बेस्ड के ऊपर उनको डिवाइड किया जाता है एंड नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये जो है ये थेरी इट इज़ वेल डिफाइंड हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने जैसे यहाँ पे बोला कि ये वेल डिफाइंड हायरार्की होता है इस वाले थेरी में एंड हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस वाले पॉइंट को ऑलरेडी समझ चुके हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सिस्टम जो है दिस कवर्स ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप मैनेजमेंट ऑलरेडी फिक्स करते हैं कि एक एम्प्लॉयी के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं एक नए एम्प्लॉई या फिर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयी को अगर प्रमोट करना है या फिर नए एम्प्लॉयी को सिलेक्ट और हायर करना है तो ये थेरी मेनली इन चीज़ों पर फोकस करता है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एक टेक्निकल कॉम्पिटेंसी या फिर स्किल प्रेजेंट है या फिर नहीं नेक्स्ट कैरेक्ट्रिस्टिक्स ये एक्सप्लेन करता है कि कंडक्टिंग बिजनेस इन 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 पर्सनल मैनर दैट मीन्स समझिए कि एक मैनेजर है जिनको ऑलरेडी फ्यू पीपल ऑलरेडी पता होते हैं और उनके बिहेवियर उनके एटीट्यूड ऑलरेडी उनको पता होता है एंड दे विल नोइंग देम फ्रॉम सिंस मेनी ईयर्स तो अभी न्यू जॉइन ही आता है या फिर न्यू एम्प्लॉयी जॉइन होता है तो उस टाइम जो भी मैनेजर्स होते हैं या फिर जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं दे हैव टू बी इन पर्सनल मैनर दैट मीन्स की उनको इम्पार्शियल होना है एंड पर्सनली चीज़ों को लेना नहीं है ठीक है वेदर इट माइट बी इन अ गुड सेंस और इन अ डिफरेंट और रॉन्ग सेंस बट इनको ये ध्यान में रखना है कि दे शुडन बी पर्सनल विथ एवरी वन दे शुड बी इम एक पर्सनल कनेक्शन के अलावा एक ऑफिशियल और एक प्रोफेशनल कनेक्शन बिल्ड करते हैं अपने टीम मेट्स के साथ या फिर विथ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन ओके नाउ we'll understand अंडरस्टैंड are आर द स्ट्रेंथ्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ theory थेरी तो स्ट्रेंथ ये है कि ये ये जो मॉडल है दिस इज द फर्स्ट एवर मॉडल ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इस वाले थेरी को अभी भी इन वेरियस ऑर्गेनाइजेश स्टिल फॉलो फॉर एग्जाम्पल इन द बेसिक और न्यूअर ऑर्गेनाइजेश कोई एक स्टार्टअप है वहाँ पे यूजअली ब्यूरोसी मॉडल ही अप्लाई होता है एंड द नेक्स्ट वन इज़ ड्रॉबैक ड्रॉबैक ये है कि इस थेरी में इस मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस मॉडल को चूज करता है तो उस वाले ऑर्गेनाइजेशन में दे विल भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड द ऑर्गेनाइजेशन विल भी बॉग्ड डाउन विथ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इट्स एम्प्लॉइज फॉर इट्स वेरियज मिडल मैनेजमेंट और द टॉप मैनेजमेंट

इट वॉज़ बिट ऑफ डिफिकल्ट बिक जैसे कि ब्यूरोसी थेरी एक्सप्लेन करता है कि एक अथॉरिटेटिव एंड फॉर्मलाइज एनविरोमेंट होता है एंड इन द कोविड केस और अनसर्टन एक्सटर्नल इन्विरोमेंट प्रॉब्लम्स और इश्यूज दैट टाइम द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नीड टू बी कंसर्नड अबाउट देयर एम्प्लॉयज देयर आइडियाज देयर ऑब्जेक्टिवस और देयर वेरियस आइडियाज़ विच कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एज वेल लेकिन इस थेरी में ये पॉसिबल नहीं है राइट सो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी मॉडल